जाएगा उसका। देखिए कौन सा सार है, छोड़ दीजिए। मामा आ? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा अच्छा देखो, चलिए आइए दोस्तों। मामा एक कहीं कौन सा सांप है, मछली पकड़ रहे थे यहाँ पर। देखिए थोड़ा दिखाइए तालाब में, एक शौकीन रूप से अपना ही तालाब कोड़ा के रखे हैं और ये मछली पकड़ रहे थे। एक में उसमें ढोर सांप कांटा में फंस चुका है, तो वीडियो का अंत तक बने रहे क्योंकि दोस्तों इस काम में हर एक सेकंड हर एक मिनट खतरा होता है। और चलिए वो जो ढोर सांप है, हम कहते हैं कोई भी सांप रहे उस सांप को बचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है, ढोर रहे या फिर कोई भी जहरीला रहे या फिर नॉन वेनमस रहे, तो चलिए बचाया जाए। ये मामा ये ढोर सांप तो है नहीं, पूरा भाग रहा, पूरा भाग। देखिए 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 देखिए, अरे आस्ते आस्ते मुंह कट जाएगा उसका। देखिए कौन सा सांप है, छोड़ दीजिए। ये ढोर सांप नहीं है, ये जो है ये स्पेक्टिकल कोबरा है। देखिए इसे हम लोग नाग, इसे हम लोग खरीश के नाम से जानते हैं। आ रहा है कैमरा में, चलिए हट जाइए आप लोग थोड़ा। मछली पकड़े? हाँ बेचार को पकड़े घर लेंगे। देखिए दोस्तों इसे नाग, इसे ही गेहूं, इसे ही खरीश के नाम से जानते हैं बेचारा। देखिए 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 मामा, ढोंड बोल रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये ढोंड नहीं, इसे हम लोग जात सांप के भी नाम से जानते हैं, कोबरा नाजा नाजा के नाम से जानते हैं। और मामा देखिए किस प्रकार से सांप यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पर सांप फंस गया। आ जाइए मामा, आ जाइए आप भी आइए। देखिए पहली बार ऐसा रेस्क्यू हो रहा है, इसके मुंह के मुंह को लीजिए आप कैमरामैन, किस प्रकार से फंस गया, सामने आइए आप। देखिए पहली बार ऐसा रेस्क्यू हो रहा मामा, और देखिए हमारे पंचायतवासी सांप को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कहीं भी अगर सांप निकल जाता है तो वो सांप को मारते नहीं। तो मामा देखिए मुंह में खाया, मुंह में खाया। हाँ मुंह में नहीं, इसका गलफड़ा में लग गया ये जगह। हाँ। और इतना तेज, थोड़ा बैठ जाइए। चिंगड़ी छोड़े थे, चिंगड़ी मछली। ओह तो देखिए चिंगड़ी मछली को खाने के लिए कोबरा मछली आ गया। तो दोस्तों ऐसा कहीं भी अगर देखते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुँचता है, क्योंकि हम लोग सांप को बचाने के लिए हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं। और देखिए क्या कीजिएगा, मछली भी खाने का चीज़ है। मामा तो अब जानबूझ के ये नहीं डाले थे कांटा, बैठ जाइए तो कैमरा में आ जाइएगा। नहीं नहीं बहुत डर लग रहा है, तब से आपको फोन कर रहे थे, इतना लेट कर रहे हैं। देखिए डरने वाला बात नहीं है, हम लोग का आधा घंटा के बाद आ पा रहे हैं, 24 घंटा रेस्क्यू। देखिए आप जैसे हैं और कोई ऐसा है उसके घर में भी सांप का प्रॉब्लम है, आप बोले ढोंड सांप है तालाब में है, इसीलिए हम थोड़ा लेट किए, तालाब में था इसीलिए लेट। बताइए इस यहाँ हम लोग बार बार यहाँ मछली छोड़ते हैं। चलिए चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जंगली इलाका है ना ये सब, हम लोग का जंगली इलाका है, थोड़ा दिखाइए ये सब। इसको मार दीजिएगा ना अभी। अरे क्या बात करते हैं मामा, मारेंगे क्यों इसको, तो फिर यह और मिलेगा इधर। इसको ले जाके किसी बिग फॉरेस्ट में हम जाके रिलीज करेंगे, क्योंकि इसका प्रजाति आस्ते आस्ते विलुप्त के कगार में है। अगर सांप मारिएगा तो पर्यावरण क्षति होगा, फिर कांटाटो में जहर रहेगा मेरा। कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आदमी से ज्यादा जहरीला नहीं है। बहुत तेज दरार सांप है, एक बार पूरा बॉडी को लीजिए किस प्रकार से फुला रहा है। एक तो गर्मी, ऊपर से ये सांप का हो गया है अंजर पंजर ढीला। देखिए तो मामा चलिए, इसे आपका घर वहाँ पर है ना? नहीं नहीं घर तरफ मत ले जाइए। छोड़ाएंगे कहाँ बताइए, तब अब यहीं पर छोड़ा लीजिए आप, तो पकड़ हाथ से नहीं छोड़ा सकेंगे ना, प्लस चाहिए इसके लिए। चलिए चलिए वहीं पर चलिए ना, चलिए रुकिए, चलिए पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, सांप पकड़। वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप किया। तो देखिए दोस्तों तालाब पोखर में अगर आप सांप पकड़ते हैं, ये मछली पकड़ते हैं, अगर ऐसे कहीं कांटा लग जाए सांप का तो क्या कीजिए, काट के मत फेंकिए, क्योंकि जानते हैं बहुत ज़्यादा इन लोगों का तकलीफ होता है, जाल मत फेंकिए। ठीक बोलोगे नहीं मामा, बताइए, क्योंकि अगर ऐसे आप फेंक के रखते हैं तो एक आपका वजह से कई सांपों का जान जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको अब छोड़ा दिया जाए, एक प्लस लाइएगा। हाँ गर्मी गर्मी अत्यधिक देने के कारण ये सांप जो है तालाब पोखर बांध में आए दिन आते रहते हैं। रुकिए इसका मुंह को पकड़ना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, अभी देख रहे हैं कितना गुस्से में है। देखिए सांप को लीजिए, हमारा ये नहीं है जो किसी सांप को परेशान करे या फिर किसी सांप के मुंह को पकड़े, क्योंकि अब पकड़ना ही पड़ रहा है।
देखिए किस प्रकार से जबड़ा में फंस चुका है। देखिए कैमरामैन सामने लाइए, आ रहा है कैमरामैन, देखिए। और आप लोग समझिएगा ये जहरीला नहीं है, लेकिन इसका जो जहर का दांत है बहुत ज़्यादा, देखिए 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 बहुत ज़्यादा तेज तेज दरार है। तो देखिए प्लस दिलाइए, मामा कैसे छोड़ाया जाएगा इसको, पूरा जोर से घाई मारे थे, पूरा घाई मारे थे ना, पूरा जोर से बड़ा मछली फंस गया सोच के, ज़्यादा जोर से नहीं मारे थे, नहीं नहीं लग गया था तो आपका। देखिए ये जो काटा है इसका आर पार हो गया था इधर, देखिए मर जाएगा, नहीं नहीं मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं। तो दोस्तों किस प्रकार से हमने सांप का देखे जान बचाए, वैसा आप लोग, मामा एक बात कहना चाहते हैं, ऐसे जैसे आप देख लिया अभी, तो ऐसा कोई भी सांप को पकड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, तो फिर नहीं तो फिर जरूरत नहीं था मेरा। नहीं एक बार बता देते हैं, क्योंकि आपको देखकर, हमें देखकर बहुत आदमी क्या करेगा, सांप को पकड़ने का छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा, और उसी में क्या होगा, इंसान डेथ। इसीलिए कहते हैं कोई भी सांप को पकड़ने का आगे आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए। एक बार मुंह को लीजिए, खून निकल रहा है, देखिए साइड से, देखिए तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, मामा आइए पीछे आइए ना, आइए दोस्तों, अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, रेप्टाइल से, एनिमल से जुड़ा तमाम जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। दोस्तों अपना परम कर्तव्य बनता है किसी सांप को, किसी मनुष्य को, किसी रेप्टाइल को बचाना, क्योंकि ये बेजुबा होते हैं, इसके मुंह में जबान नहीं है बोलने के लिए, गले से आवाज़ नहीं निकलता, लेकिन तकलीफ तो इसे भी होता है। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा लाइक हमारे मामा के लिए, अब देखिए नहीं बोल सक रहे मामा, एक छोटा सा लाइक हमारे मामा के लिए, एक छोटा सा कमेंट हमारे कैमरामैन के लिए, और एक छोटा सा शेयर ये दोनों भाई के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका दोस्त भाई बंधु मिलता हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों चलिए, देखा आपने किस प्रकार से वो सांप का, कोबरा सांप का गलफड़ा में कांटा लग गया था, तो हमने उसको बचाया, और ये पर्यावरण में आ चुके हैं इसे रिलीज करने के लिए, और हमारा थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गला वाला जाम लग रहा है, तो चलिए पहले इसे रिलीज करते हैं यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से जा रहा, सामने चला गया। इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा एक छोटा सा कमेंट शेयर लाइक तो बनता है। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।